रायपुर में मां के गर्भ से मृत पैदा हुआ बच्चा थोड़ी देर में जी उठा। बता दें, स्वास्थ्य विभाग की महतारी एक्सप्रेस के स्टाफ ने चलती एम्बुलेंस में बच्चे को कार्डियक मसाज और CPR देकर एक अनहोनी को टाल दिया। अब सभी लोग 102 स्टाफ के इस लाइफ सेविंग प्रयास की सराहना कर रहे हैं। नवजात शिशु की सांसें नहीं चल रही थी। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के सुदूर जंगलों के बीच बसे केकरा खोली गांव में रहने वाली गर्भवती कुलेश्वरी को प्रसव पीड़ा हुई। घर वालों ने गांव के मितानिन को बुलाया और डिलीवरी करवाई, जिसमें एक लड़की का जन्म हुआ, लेकिन नवजात की न सांसें चल रही थी और न ही धड़कने। इसी बीच 102 सेवा वाली महतारी एक्सप्रेस गांव में पहुंची। मितानिनों ने बच्ची की हालत के बारे में 102 स्टाफ को बताया। इसके बाद क्रिटिकल स्थिति को देखते हुए फौरन जच्चा और बच्चा दोनों को 102 एम्बुलेंस से धमतरी जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। इस बीच 102 में EMT सरजू राम साहू ने सबसे अहम भूमिका निभाई। बच्चे को मुंह से सांस दी और बच्चे के नाक में भरे पानी को निकाला, जिससे सांस की नली खुल गई। इसके बाद CPR और कार्डियक मसाज दिया। थोड़ी देर की कोशिश में ही बच्चे की धड़कन शुरू हो गई और वो सांस लेने के साथ ही रोने भी लगा। बच्चे को हरकत करता देख सभी की जान में जान आई। फिलहाल बच्चे को जिला अस्पताल में SNCU के अंदर ऑक्सीजन पर रखा गया है। बता दें, बच्चे की मां कुलेश्वरी भी भर्ती है। इस मामले में धमतरी जिले के CMHO डॉक्टर DK तुर्रे ने बताया कि हमारा 102 स्टाफ इस तरह की इमरजेंसी के लिए पहले से प्रशिक्षित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।